देखिए, जब हम पर्सनल यूज के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं तो 50 HP के नीचे का ट्रैक्टर पे हम जाते हैं, लेकिन जब आप कमर्शियल भाड़े पे चलाते हैं तो हमें हेवी ट्रैक्टर चाहिए, तो जैसे कि ये, तो वहां पे आपको जरूरत है। ये 65 HP का ट्रैक्टर है, इसके पीछे जो आप ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं है जो आप नहीं लगा सकते, चाहे वो रोटर हो, प्लाव हो, हॉलेज हो, या आपका हाईरैक हो, बेलर हो, जो भी हो, कुछ भी इक्विपमेंट हो, इसके पीछे बड़ा बड़ा इक्विपमेंट जो है आप लगा सकते हैं और एकदम स्मूथली और बढ़िया तरीके से चला सकते हैं। इस ट्रैक्टर की ज़रूरत है वहाँ पे। अगर आप 40-50 एकड़ की खेती कर रहे हैं, बड़ी खेती है आपका, बड़ा काम है, तो फिर भी आप ये ट्रैक्टर ले सकते हैं, लेकिन छोटा काम है तो 50 HP के नीचे रहना पड़ेगा। 22 लाख अगर इस ट्रैक्टर को आप दे रहे हैं तो, और डेली का अगर 4-5 हज़ार रुपये का बिजनेस करते हैं, तो 2 से 2.5 साल में आप पूरा का पूरा इस ट्रैक्टर को नील कर देंगे, और उसके बाद ये ट्रैक्टर आपका फ्री। और आप जानते हैं ट्रैक्टर की लाइफ कितनी होती है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल का आंसर मैं अभी देने जा रहा हूं दोस्तों, ये तेल कितना खाता है? इतना महंगा डीजल हो चुका है तो ये बहुत ही जरूरी सवाल था। तो भाई ये देखिए, मेरे राइट साइड में जो है ये डीजल टैंक है, 80 लीटर का टैंक है। इतना हेवी ट्रैक्टर है तो डीजल टैंक भी बहुत ही हेवी है। ट्रैक्टर हमेशा देखा जाता है प्रति एकड़ के हिसाब से, लेकिन मैं टैंक के हिसाब से आप बताता हूं। एक बार इस टैंक को फुल करेंगे 80 लीटर, तो अगर आप रोटर चला रहे तो 8 एकड़ रोटर मार के आप कंप्लीट कर सकते हैं एक टैंक में। तो प्रति एकड़ कितना तेल लगेगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। पीछे जो प्लाव लगा हुआ है, ये प्लाव अगर आप चलाते हैं तो प्रति एकड़ 15 लीटर तेल खाता है। और आप अगर हॉलेज में चलाते हैं या हाईरैक बेलर चलाते हैं, तो मैं आपको जरूरी बात बताना चाहूंगा कि ये ट्रैक्टर बंदा कौन चला रहा है, किस हिसाब से चला रहा है, कैसे चला रहा है, पूरा का पूरा माइलेज ट्रैक्टर का उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कैसे भी चला रहे हैं तो वो ट्रैक्टर माइलेज नहीं देगा। मैंने ये माइलेज का जो हिसाब आपको अभी बताया है, तो कोई भी किसान ट्रैक्टर लेता है तो वो दिमाग में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, आज पहली बार मैं खुद लाइव डेमो लेने वाला हूं। ये 65 HP का ट्रैक्टर आपके सामने है, पीछे प्लाव है, प्लाव का भी लाइव डेमो लूंगा। और सबसे खास बात जो आपके सामने ये दिख रहा है ट्रैक्टर का एसी केबिन, इसका भी लाइव डेमो आपको मैं अंदर बैठ के एसी का जो टेम्परेचर है वो दिखाऊंगा, और अंदर का जो पूरा केबिन है वो कायदे से आपको पूरा समझा के मैं दिखाने वाला हूँ। तो भाई ये जैसे मिनी जेसीबी का मतलब फील आ रहा है मुझे, जेसीबी जैसे रहता है वैसे उस टाइप का यहाँ पे एसी केबिन दिख रहा है। तो भाई पहले तो हम इसको ओपन करते हैं। दोस्तों क्या मजा आ रहा है कि नहीं आपको? तो भाई सबसे पहले तो ओपन करने के बाद मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा केबिन, और केबिन में जो सीट है देख सकते हैं, यहाँ पे सीट में सीट बेल्ट दिया गया है, साइड में ये आर्म दिया गया है हाथ रखने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण इस सीट में जो है नीचे कुछ खास चीज है, ये देखिए यहाँ पे 70 दिख रहा होगा, यानी कि 70 किलो का आदमी अगर बैठता है तो वो उस हिसाब से एडजस्ट करती है सीट। मैं अगर इसको जो है ये नॉब को गोल घुमाता हूँ, जैसे मैं 75 kg का हूँ, 80 पे लेके जाता हूँ, 80 पे लेके आया, ये देखिए अब मैं इस पे बैठता हूँ तो फाइनल ये मैं, ओ यार इस पे बैठने के बाद काफी कंफर्ट सा फील हो रहा है, यानी कि 80 किलो का आदमी सेट करने के बाद ऊपर नीचे सीट काफी हो रही है। ओ जब मैं इसको बंद कर देता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं कार में बैठ गया हूँ, मुझे कार का फील आ रहा है बेसिकली। यहाँ पे काफी मजा आ रहा है इसमें। तो यहाँ पे जो ये स्टेयरिंग है, ये पावर स्टेयरिंग है, डुअल एक्टिंग पावर स्टेयरिंग है, और ये जो है यहाँ से जब आप ओपन करते हैं तो ये टेलीस्कोपिक अंदर बाहर होता है। किसी ट्रैक्टर में आपने ऐसा देखा है क्या? ये देखिए, इसको मैं यहाँ पे कस देता हूँ, ये जॉन डियर का यहाँ पे बैजिंग देख सकते हैं। दूसरा चीज, यहाँ पे नीचे जो ये नॉब है, इसको अगर आप खींचते हैं तो ये अंदर बाहर होता है। ये देखिए, आपके हाइट के अनुसार, आपके अनुसार आप एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ, मुझे ये कंफर्टेबल है। ये है वाइपर, ये देखिए वाइपर चालू हो गया। वाइपर को पानी चलाना है तो मैं दबा दूंगा अगर, तो पानी भी आ रहा है। ये देखिए, ये है हमारी साइड की इंडिकेटर, यहाँ पे दिखाता है। ये जो है ये बटन आपको यहाँ पे 506 घंटा वर्किंग हुआ है और ये किलोमीटर कितने स्पीड से भाग रहा है वो दिखाता है। इसके बाद ये आपको दोनों साइड के इंडिकेटर चालू हो जाते हैं। ये हॉर्न है, ये स्पेशल फीचर है, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। स्टैंडर्ड और इको क्या है, ये जो है यहाँ पे लाइट का है, पीछे का जो वर्किंग लाइट है यहाँ पे काफी हेवी दिया गया है, ये किधर है, और एक दूसरा इधर साइड में ये देखिए यहाँ पे है। इसके बाद ये लाइट का है, आप यहाँ से लाइट चालू बंद कर सकते हैं। ये एक्सलेटर है, कितना स्मूथ है ये देखिए, रेस यहाँ पे सेट कर सकते हैं केवल एक, ये देखिए उंगली से, ये आप जो है डेप्थ मेंटेन कर सकते हैं इससे, इससे हेवी जो इक्विपमेंट लगाते हैं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जरिए आप प्लाव को इधर उधर कर सकते हैं या जो भी हेवी ड्यूटी पीछे काम करना है आपको, यहाँ पे अलग अलग चीजें दिया गई। इसके बाद दोस्तों ये इधर साइड में जो है PTO है, यहाँ पे पानी रखने के लिए, यहाँ पे आपका कुछ सामान उमान रखना है तो इसके लिए दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे गियर सिस्टम है दोस्तों, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पे डिफरेंशियल लॉक है, अगर ट्रैक्टर कहीं स्लश में फंस जाता है तो दोनों पीछे के टायर एक साथ में कायदे से ट्रैक्टर को बाहर निकाल देते हैं। इधर जो है आपका फोर व्हील ड्राइव, इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये नॉब अगर आप ऊपर खींचते तो फोर व्हील ड्राइव एक्टिव, नीचे टू व्हील ड्राइव एक्टिव, फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है ये। इसके बाद जो है आप इसको अगर उठाते हैं
तो ये ओपन हो जाता है। ये देखिए क्या कमाल की चीज है भाई साहब, ये देखिए। मैं एसी को थोड़ा बंद कर देता हूँ यहाँ से, अभी दिखाऊंगा मैं। तो ये मैं खींच लिया मैंने, ये देखिए स्टार्ट हो गया। अभी मैंने पार्किंग में रखा है। यहाँ पे जॉन डियर ने ए बी सी डी ये चार है, यहाँ पे हाई मीडियम लो होता है, लेकिन ए बी सी डी दिए गए। और यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड रिवर्स चार गियर है यहाँ पे, यानी कि 12 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स गियर की सिस्टम यहाँ पे दी गई है। पार्किंग का भी सिस्टम यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और ये एक्सलेटर है, आपको बाहर की आवाज बहुत कम आ रही होगी जैसे कि। और यहाँ पे देख सकते हैं किट लगाया गया है, ये जीपीएस का किट है दोस्तों। ये जीपीएस का किट यानी कि ट्रैक्टर आपका कहाँ पे है, आपके ट्रैक्टर में कितना तेल है, कहाँ पे काम कर रहा है, कितना घंटा काम किया, सब कुछ मोबाइल पे ये बताता है। अब मैं बहुत मुझे गर्म हो रहा है बोल बोल के, तो मैं एसी चालू करता हूँ। ये एसी यहाँ पे बंद हुआ, ये चालू हुआ, ये मैं 3 पे रखता हूँ। ये ठंडी ठंडी हवा मुझे चाहिए। ये देखिए यहाँ पे ये ब्लोअर्स है, 1 2 3 यार 5-6 ब्लोअर यहाँ पे दिए गए। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम भी अलग से लगाया गया है। ट्रैक्टर को देखिए अभी कितने ऊंचाई से जो है नीचे ले रहा हूँ, ये देखिए। ओ भाई वो कितना इजीली जो जा रहा है। फोर व्हील ड्राइव भी है लेकिन मुझे अभी जरूरत ही नहीं है, ये देखिए ये देखिए। तो भाई मैं अभी यहाँ पे ट्रैक्टर को काफी स्मूथली चला रहा हूँ, इंजन का मुझे आवाज नहीं आ रहा, नॉइज कैंसिलेशन अच्छा है, और ऐसे लग रहा है कि मैं यार कार में बैठा हूँ या हाथी पे बैठा हूँ पूरा। काफी मजा आ रहा है ट्रैक्टर को चलाते हुए, ये देखिए। तो मैं अभी हार्ड एरिया में आ गया यहाँ पे। मैं अभी इस प्लाव को जो है ऊपर की तरफ मिट्टी गिरानी है मुझे, तो मैं इसको घुमा लेता हूँ। ये घुमा लिया मैंने इस साइड में, इसको डेप्थ सेट करता हूँ, 3 से 4 पे डेप्थ लगाऊंगा और रेस हल्का सा बढ़ा देता हूँ। ये देखिए प्लाव कितना फास्ट आ रहा है, हार्ड मिट्टी है ये देखिए, थोड़ा बहुत, ज्यादा भी हार्ड नहीं है, लेकिन क्या स्मूथली जा रहा है ये देखिए दोस्तों। ओ भाई मजा आ गया, ये देखिए कितना इजीली जा रहा हूँ मैं। ट्रैक्टर का टायर स्कीड नहीं कर रहा है, जगह पे नहीं घूम रहा है, मिट्टी कितना अच्छा उठा रहा है, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप। वाह यार वाह, ये देखिए इसको देखिए, मैंने उठाया ये, मैं ट्रैक्टर को गोल घुमाता हूँ अभी। टर्निंग रेडियस भाई इसका बहुत सही है, इतना बड़ा और हेवी ट्रैक्टर होने के बाद भी बहुत कम जगह पे ये घूमता है। अब मैं इसको ऐसे यहाँ पे लगाता हूँ और ये डेप सेट किया मैंने, ठीक है। डेप सेट करने के बाद ये फिर चल चलता हूँ, ये देखिए। अब दोस्तों सबसे खास बात, तो अभी मैंने प्लाव लगाया, ये देखिए हल्की हल्की धूल उड़ रही है, अंदर एसी चल रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे रोटर चलाता हूँ तो बहुत ज्यादा धूल उड़ती है, तो बहुत ज्यादा धूल उड़ने के बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है। अब मैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज आपको लाइव डेमो दिखाता हूँ। ये मेरे हाथ में है टेम्परेचर मीटर, ठीक है। अब मैं आपको बाहर का सरफेस टेम्परेचर दिखाता हूँ, ये देखिए 37 डिग्री आपको दिखा रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे ये ब्लोअर हवा मार रहा है ठंडी ठंडी, ये देखिए यहाँ पे मैं दबाता हूँ और छोड़ता हूँ, ये देखिए 18 टेम्परेचर हो गया, ये देख सकते हैं आप। यानी कि अगर मैं इसको और टेम्परेचर यहाँ पे गिरा दूंगा, ये देखिए यहाँ पे एरो दिया है टेम्परेचर गिराने का, ये देखिए यहाँ पे, और ये हीटर भी है यहाँ पे। तो अगर मैं टेम्परेचर गिरा देता हूँ और ये चेक करता हूँ आपके सामने, ये देखिए 9 पे आ गया सीधा टेम्परेचर, ये देखिए मैंने 5 में पकड़ा है ब्लोअर के। मैं ट्रैक्टर को बंद कर देता हूँ, बाहर आ गया हूँ, मुझे काफी धूप लग रही है, लेकिन अंदर जो है काफी ठंडा लग रहा था, काफी मजा आ रहा था, नॉइज नहीं लग रहा था, धूल नहीं लग रही थी, नाक में धूल नहीं जाएगी, क्योंकि जब आप रोटर चलाते तो धूल बहुत ज्यादा उड़ती है, मलचल चलाते तो कचरा बहुत ज्यादा उड़ता है, तो खेती में बहुत सारी ऐसी जगह होती है वहां पर बहुत सारा कचरा उड़ता है, तो वहां पर आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं आएगी। ये जॉन डियर 5405 में ना कमाल के स्पेशल फीचर्स है। पहले तो मैं स्पेशल फीचर में आपको बहुत इंपॉर्टेंट वाला बताता हूँ, ये ट्रैक्टर 65 HP है ना, मैं बता रहा हूं कब से, लेकिन भाई ये एक बटन पे 65 से 55 हो जाता है। अब वो कैसे, स्टेयरिंग के पास में एक छोटा सा बटन दिया है। मान लीजिए आप प्लाव कर रहे हैं, रोटर चला रहे हैं, तो वहां पे 65 HP चला रहे हैं, लेकिन आपको हल्के काम करने हैं जैसे कि ट्रॉली से करना है या कुछ खींचना है, कुछ भी करना है, तो आप सीधा एक बटन पे जो है ट्रैक्टर को 55 HP पे ला सकते हैं। इससे आपको माइलेज में भी फायदा होगा, तो है ना एक स्पेशल फीचर दोस्तों इस ट्रैक्टर में। दूसरी चीज, इतना हेवी ट्रैक्टर है और इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी जो है 2500 kg की है, जो कि इस सेगमेंट में आपको 2000 तक मिलती है, तो ये एक स्पेशल फीचर है। इसके बाद आपको जो हेवी आप इक्विपमेंट लगाने वाले हैं उसके लिए आपको स्पेशल जो है लीवर दिए गए, उससे आपका काम और आसान हो जाता है और इजी हो जाता है, बड़े से बड़े इक्विपमेंट आप लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके टायर के बारे में। तो भाई इसका जो आगे का टायर है वो स्पेशल है, इसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये टायर काफ़ी हेवी टायर दिया गया है, 11-2-24, और
पानी है इसमें, पीछे वाले टायर में पानी होता है लेकिन आगे वाले टायर में भी पानी भरा गया है। और इसकी जो है ग्राउंड क्लियरेंस है वो 425 mm है, व्हील बेस जो है 2050 mm है। पीछे का टायर जो है यहाँ पे देख सकते हैं 16930 है, यानी कि जेसीबी का टायर जितना बड़ा होता है उतना टायर है, आमतौर पे 16928 होता है लेकिन 16930 है, तो टायर भी कितना है। और इसका फेंडर भी देख सकते हैं, अगर कीचड़ वगैरह में आता है तो इसकी हाइट काफी अच्छी दी गई है, यहाँ पे फंसेगा नहीं, तो ये भी एक कमाल की चीज है। बोनेट में आगे से ओपन करता हूँ, ये देखिए यार ये कमाल की चीज। सबसे पहले देखिए लाइट्स, एलईडी लाइट्स दी गई है, ये क्रोम देखिए, जब एलईडी लाइट लगती है ना तो इसके ऊपर से लाइट जो है और अच्छी दिखती है। कैसे खुलेगा यार ये? खुल गया तो भाई इजी है, लेकिन यार पहली बार खोला मैंने, तो चलो भाई ये खोलने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे डबल हाइड्रोलिक दिया गया है। ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है, ट्रैक्टर में जितने भी जो है सेंसर्स वगैरह ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मैनेज करता है। ये जो है टर्बो कूलर इसको बोला जाता है, ये जो डीजल होता है वो ठंडा करके आगे जाता है, इससे आपके माइलेज में और फर्क पड़ता है। ये जो है एसी का सिस्टम यहाँ पे दिया है, यहाँ पे एसी का एग्जॉस्ट है, तो इससे अलग से सिस्टम देने की वजह से ट्रैक्टर के इंजन पे ज्यादा लोड नहीं आता है, तो माइलेज में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, एसी अच्छी चलती है। यहाँ पे रेडिएटर दिया गया और ये यहाँ पे जाली डाल दी गई है, देख सकते हैं एक जाली आगे भी है एक पीछे भी है, ताकि इससे जो कचरा वगैरह अंदर जाता है तो वो डायरेक्ट नहीं जाता है। ड्राई टाइप आपको एयर फिल्टर मिलता है, मैं इसको अभी बंद कर दूं। बैटरी कहाँ है? हम हमेशा सोचते हैं कि बैटरी आगे रहती है, बैटरी की जगह यहाँ पे आगे वजन लगा दिया, 50 50 50 50 50, बताइए कितना हुआ। तो भाई यहाँ पे बैटरी जो है ये नीचे दी गई है, ये देख सकते हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पे मेंटेनेंस वगैरह करना है तो वो भी काफी इजी हो जाता है। ये नीचे जो है फोर व्हील का यहाँ पे शाफ्ट दिया गया है। अब आखिरी सवाल, क्या इतना पैसा खर्चा करना चाहिए? तो देखिए मैंने कल और आज दो दिन में ऐसे ऐसे जगह पे इस ट्रैक्टर को चलाया है, वहां पे हर जगह पे ये ट्रैक्टर प्लस में ही रहा है। अभी हमने तालाब में डाल दिया, यहाँ पे भी देख सकते हैं फोर व्हील ड्राइव मैंने लगा कि इसको अंदर डाला, यहाँ पे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आया कीचड़ में हर जगह पे। आखिरी एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इस ट्रैक्टर की जो सर्विस है मेंटेनेंस है वो आपको इंडिया में हर जगह पे जॉन डीयर के सर्विस सेंटर अवेलेबल आपको हो जाते हैं, पार्ट्स भी अच्छे मिलते हैं, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। सब्सिडी की अगर बात करें तो इस ट्रैक्टर को सब्सिडी नहीं मिलती है, आप छोटे ट्रैक्टर में जाते हैं तो आपको सब्सिडी मिलती है 1 लाख से 1.25 लाख रुपए के आसपास, वो आपके कृषि विकास का कार्यालय वहां पे जाके आप पूछताछ कर सकते हैं। बहुत मेहनत से हमने ये रिव्यू किया भाई, दो दिन समय लिया, काफी शूट किया, हर एक जगह पे हर एक लोकेशन पे इक्विपमेंट लगा के किया, बहुत मेहनत ली है, तो इस मेहनत सफल होनी चाहिए। मिलते हैं एक और न्यूडिक साथ, तब तक करते रहिए मेहनत, क्योंकि वावर है तो पावर है। धन्यवाद।